कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन टू एक्शन टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अनदर द सेकंड डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट इट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। जब दो एक्शन एक के बाद में एक लिया जाता है तो जो सेकंड सेंटेंस होता है वो फर्स्ट पर डिपेंड करता है, तो वहां पर हम कंडीशनल सेंटेंस है वो यूज करते हैं। यू आर सक्सीडेड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे अगर तुम वर्क हार्ड करोगे। तो लुक एट द प्रीवियस वर्ड, जैसे कि प्रोवाइडेड है, इफ प्रोवाइडेड, एज सून एज, नो सूनर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, एज सून एज, दीज वर्ड जनरली कम्स कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आएंगे, प्रोवाइडेड आएगा, एज सून एज, नो सूनर, अनलेस, अनटिल, व्हेन एंड एज सून एज। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, इफ क्लूजेज होता है, मेन क्लूजेज होता है। कंडीशनल सेंटेंस आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट होता है इफ क्लूजेज इज प्रेजेंट टेंस, इफ क्लूजेज इज पास्ट टेंस, इफ क्लूजेज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। और अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, इस तरीके से तीन टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर इफ क्लूजेज हो सकता है, पास्ट टेंस के अंदर इफ क्लूजेज हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट के अंदर इफ क्लूज है वो हो सकता है। इफ क्लूजेज इन प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट के बाद में सिंपल फ्यूचर आएगा। इन दी सेंटेंस इफ क्लूजेज इज इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंसेज एंड दी मेन क्लूजेज इन दी सिंपल फ्यूचर टेंसेज। तो यहां पर है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है होना चाहिए और ये सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन है आई कम टू दिल्ली, इफ आई कम टू दिल्ली, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद में ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, आई विल मीट यू। इफ टू एक्शन टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अनदर इन फ्यूचर एंड इफ द सेकंड एक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट एक्शन, द फर्स्ट एक्शन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सेकंड एक्शन इज सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि दो एक्शन एक के बाद में एक लिया गया है और सेकंड एक्शन है फर्स्ट एक्शन पर डिपेंड है, और फर्स्ट एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और सेकंड एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। जैसे कि शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली, तो ये गलत है क्योंकि यहां पर विल कम प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर पहले आ रहा है। यहां पर आना चाहिए पहले शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। तो दो एक्शन लिए गए हैं, तो फर्स्ट एक्शन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला एक्शन है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा क्योंकि वो पहले दिल्ली पहुंच गया है, उसके बाद में ये मिलेगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। और जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आएगा। इसी तरीके से इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल बी श्योरली फिनिश, तो पहले स्ट्रिक्ट बनेगी उसके बाद में करप्शन को फिनिश कर सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग है जो पहले काम होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। तो इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर बिकम आएगा यानी बिकम्स आएगा यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और करप्शन विल श्योरली फिनिश, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। इसी के अकॉर्डिंग ये है आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज, तो आई विल हेल्प हिम, तो आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड तक सही है, ही विल मेंड हिज वेज, अगर मैं उसकी सहायता करूंगा तो वो अपने रास्ते बना लेगा। तो इसमें अकॉर्डिंग पहले वो सहायता, इफ आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज, तो वो अपने रास्ता बना देगा अगर मैंने अपनी सहायता कर दी। तो यहाँ पर है जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है क्योंकि पहले वो रास्ता बनाएगा तभी मैं उसकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज, अगर वो अपने रास्ते बना लेगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा यानी अच्छा रास्ता सुन लेगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहला क्या है, वो पहले अच्छा रास्ता सुनेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और ये सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। उसके बाद में है ये अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट कवर, अगर उसकी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो उसे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे यानी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला काम कौन सा हो रहा है कि हमें हेल्थ पर ध्यान होगा तभी उसे रिकवर कर पाएंगे, तो ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट कवर। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव, तो यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म पर रश होगा वहन कब, जब ट्रेन आई होगी। तो इसमें पहले काम कौन सा हो रहा है, पहले काम ट्रेन पहले आएगी उसके बाद में रस होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है और ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आया है। इन द अबव सेंटेंस विल सेल वुड विल नॉट कम विद द पार्ट दैट्स कंसिस्ट ऑफ इफ एज सून एज, तो बिल और ये है
ये बिल सेल है तो इसमें बिल सेल वुड बिल नॉट कम विथ द पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एज इफ एज सून एज प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस इन केस व्हेन एंड लीस्ट। तो इन सेंटेंस के अंदर बिल सेल और वुड है वो नहीं आएंगे किन के साथ में, इफ एज सून एज प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस इन केस व्हेन और लीस्ट हो। जैसे कि नॉट इन इज नॉट यूज विथ अनटिल अनलेस, सेंटेंस नंबर फोर्स में ये नॉट है वो ये नहीं यूज नहीं किया है हमने क्योंकि यहां पर अनलेस आ गया है। इन कंडीशनल सेंटेंस बिल एंड सेल विल नॉट बी यूज्ड विथ व्हेन, कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के साथ में बिल और सेल है हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि सेंटेंस फाइव में हम देख सकते हैं, जैसे यहां पर है व्हेन, व्हेन के साथ में यहां पर बिल और सेल है हमने यूज नहीं किया है। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव, तो यहां पर बिल और सेल का यूज नहीं करेंगे। बट इफ द सेंटेंस इज कंप्लीटली इन प्रेजेंट टेंस बोथ द इफ क्लूजेज एंड द मेन क्लूजेज विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सेंटेंस कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस में है तो इफ क्लूजेज का जो सेंटेंस होगा और मेन क्लूजेज का जो सेंटेंस होगा दोनों प्रेजेंट टेंस के अंदर होंगे। जैसे इफ इट रेन द स्कूल रिमेन्स क्लोज, तो दोनों प्रेजेंट टेंस के अंदर है। इफ ए प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस मे एंड माइट शैल बी यूज इन प्लेस ऑफ विल, प्रोबेबिलिटी अगर सेंटेंस शो कर रहा है संभावना शो कर रहा है तो मे और माइट हम यूज कर सकते हैं। जैसे इफ इट रेन द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास, तो ये पॉसिबिलिटी अगर बरसात होगी तो स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं आएंगे। इफ द फॉग स्टेज फॉर लॉन्ग द फ्लाइट मे गेट लेट, अगर फॉग है यानी कि धुंध ज्यादा देर तक रहेगी तो फ्लाइट है गेट हो सकता है यानी लेट लेट हो सकता है फ्लाइट। इफ द सेंटेंस इज रिगार्डिंग परमिशन मे वे बी यूज इन प्लेस ऑफ विल, अगर सेंटेंस है परमिशन से रिलेटेड है तो मे हम विल की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि If you are finished your work, you may go home. अगर तुम अपने काम को कंप्लीट समय पर कर देते हो तो तुम घर जा सकते हो, तो may यूज किया हुआ है। If the sentence related to suggestion, should and must will be used in place of will. अगर सेंटेंस के अंदर सजेशन दिया जा रहा है तो should और must भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे If you want to remain healthy, you should exercise daily. तो अगर आप हेल्थी रहना चाहते हो तो आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, तो यहाँ पर सजेशन दे रहा है इसलिए should आया है। If you don't know him, You must not open the door. तो अगर आप उसे नहीं जानते हो तो आप अपना दरवाजा नहीं खोल मत खोलिए, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है इसलिए must भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में in the sentence related to request with respect, could और may should be used. अगर request कर रहे हैं सम्मान के साथ में तो could और may हम यूज कर सकते हैं। जैसे if you meet him, could you tell him to call me up? If you come to Delhi, would you come to meet me? In if clauses, present continuous tense can be used in place of simple present tense. If clauses में present continuous tense है, हम simple present tense की जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि if you are waiting for the bus, you should better take a taxi. If you are not reading the newspaper, you should let other read it. If clauses present perfect tense can be used. In if clauses present perfect tense भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि If you have finished the work, you may leave. If they have brought ticket, they will surely go to see the movies. Past condition के अंदर भी, if clauses के अंदर भी, past condition में, if clauses is in past condition. General formula क्या है? If plus simple past होगा, plus subject, plus would, plus verb की first form होगी. जैसे कि, I had money. I would lend it to you. तो कंडीशनल ऑफ दिस टाइप इज यूज व्हेन द टॉक अबाउट समथिंग विच इज प्योरली इमेजिनरी, किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो प्योरली इमेजिनरी हो। जैसे कि आई हैड मनी, आई वुड लैंड इट टू यू। इन द अबव सेंटेंस इफ आई हैड मनी सो दैट द सब्जेक्ट हैड नो मनी, तो इसमें इफ आई हैड मनी यानी मैं पैसे रखता तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट कोई भी पैसा नहीं रख रहा है यानी प्योरली इमेजिनर है। इफ क्लूजेज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, If clauses past perfect tense के अंदर कैसे करेंगे, If plus past perfect plus subject plus would plus have plus verb की third form. If I had seen you, I would have stopped my car. Conditional sentence of this type are used when something did not happen because a certain condition was not fulfilled. अगर कोई चीज है किसी condition की वजह से complete नहीं हो रही है तब हम इस formula का इस conditional sentence का use करेंगे। जैसे If I had seen you, अगर मैंने आपको देखा, I would have stopped my car, तो मैं तो मेरी कार को रोक देता।
तो यहाँ पर कोई चीज है हुई नहीं है, लेकिन उसको इमेजिन किया जा रहा है। उसके बाद में है, इफ आई हैड सीन यू मीन्स आई हैड नॉट सीन यू, यानी जो सेंटेंस था अभी उसमें ये कि अगर मैं आपको देखता, इसका मतलब क्या है, आप मैंने आपको नहीं देखा। इन सच सेंटेंस वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इफ विथ हैड, दिस विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ को हैड में रिप्लेस कर सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो सिंपल फ्यूचर आएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर सॉरी सेकंड फॉर्म हो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आएगा सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ अदर कंडीशनल टाइप्स हैं सेंटेंस, जैसे कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन आएगा। इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो ये आ गया आई, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर आ गया, तो फिर दोबारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वुड आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर इमेजिनिंग सेंटेंस वर इज यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट, इमेजिनिंग जो भी इमेज करते हैं हम, जो भी हम अनुमान लगाते हैं, उनमें कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब यूज की जाएगी। बाज इज नॉट शुड विद द फ्लोइंग वर्ड्स सिंस दे यूजुअली डिनोट इमेजिनरी पोजिशन और एक्शन, इमेजिनरी पोजिशन और एक्शन को शो करते हैं, लेकिन बाज हम इन वर्ड्स के साथ में यूज नहीं करते, जैसे इफ एज थॉट इन केस एज इफ वुड दैट एंड आई विश, ही स्कॉल्ड मी उसने मुझे कसम दिलाई, एज इफ ही वॉज माई फादर जबकि वो मेरे पिताजी थे, तो ही स्कॉल्ड मी एज इफ ही वर आएगा यहाँ पर, इमेजिनेशन के साथ में वर आएगा, आई वर ए माई फादर। इफ क्लूजेज कैन ऑल्सो टेक अनलेस ए नो सो लॉन्ग एज, इफ क्लूजेज कैन ऑल्सो टेक अनलेस लोंग एज नो लॉन्ग एज सून एज बहन प्रोवाइडेड इन केस बट फॉर ईटीसी, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। नॉट इज नॉट यूज विद दी अनलेस और अनटिल, तो नॉट है हम नॉ अनलेस के साथ में कभी यूज नहीं करेंगे, अनलेस प्लस अफर्मेटिव होगा इफ प्लस नेगेटिव, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इफ यू डोंट डू नॉट वर्क हार्ड यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो इफ प्लस नेगेटिव आएगा और अनलेस प्लस अफर्मेटिव आएगा, अनलेस प्लस जो भी सब्जेक्ट आगे जो सेंटेंस होगा सारे अफर्मेटिव में आएंगे, और इसके बाद में इफ है, इफ के बाद में जो भी सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में आएंगे। कुछ एग्जांपल हैं कंडीशनल सेंटेंस के, जैसे आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव, एज सून एज द ट्रेन कम्स द प्लेटफॉर्म विल गेट ओवर क्राउडेड, व्हेन ही कम टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम। इस तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं और ये रूल हैं जो भी कंडीशनल सेंटेंस के यहाँ पर दिखाए गए हैं।